भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की फूलपुर सीट से कौशलेंद्र सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने अपना नामांकन जुलूस आज प्रातः 11 बजे से चंद्रशेखर आजाद पार्क से प्रारंभ हुआ। नामांकन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य भाजपा के कैबिनेट मंत्री, विधायक और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जुलूस चंद्रशेखर आजाद पार्क से भारी भीड़ के साथ कचहरी पहुंचा और प्रत्याशी कौशलेंद्र नाथ पटेल ने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी की कार्यप्रणाली से फूलपुर से भारी मतों में जीत होगी। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस विकास को करने का काम किया है, मैं उसको रचनात्मक रूप से आगे बढ़ाने का काम करूंगा और फूलपुर की जनता पे के विश्वास पर और उसके काम पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। फूलपुर के अंदर माननीय केशव जी, माननीय सिद्धार्थ जी ने तमाम सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के सुधार के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए हैं, उन्हीं कामों को रचनात्मक रूप से मैं आगे लेकर के कराने का पूरा प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव एक पक्षी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है और ये एक तरफा चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी और इलाहाबाद में माननीय केशव जी और माननीय सिद्धार्थनाथ जी के नीतियों की जीत है। वहीं फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए देवरिया जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद ने आज अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया। उनके नामांकन करने से अन्य पार्टियों का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर कैंट से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का टिकट काट दिया था। पिछले करीब साल भर से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद जेल में बंद है। फिलहाल अतीक अहमद देवरिया जेल में है। जातीय गणित की बात करें तो फूलपुर में यादव के बाद कुर्मी, लोध और कुशवाहा जातियां सबसे अहम है। इनमें लोध बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। वहीं केशव मौर्य की कुशवाहा जाति में अच्छी पकड़ बताई जाती है। इस सीट पर कांग्रेस ने मनीष मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं फूलपुर में बीजेपी प्रत्याशी कौशलेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस उम्मीदवार मनीष मिश्रा ने आज अपना नामांकन किया। बता दें दोनों ही सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर इस्तीफे के बाद खाली हुई। इन सीटों पर मतदान 11 मार्च को होगा और मतगणना 14 मार्च को होगी।